पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई और एसआईटी को दस्तावेज सरकार को सौंपने होंगे, हाईकोर्ट की तरफ से निर्देशित किया गया है। आपको बता दें, बीरभूम में सोमवार रात में जो हिंसा भड़की थी, जहां पर टीएमसी नेता की हत्या के बाद में गांव में लोगों को जिंदा घर में बंद करके आग लगा दी गई, 8 लोगों के शव बरामद किए गए और उसके बाद से भी हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। आपको बताते चले, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ तमाल साहा मेरे साथ ही जुड़े हैं। तमाल, किस तरह के निर्देश है हाईकोर्ट के? देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच है, उन्होंने ऑर्डर दिया है, क्योंकि यू नो ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्ष जांच हो, इसीलिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मामला सौंपा गया है। क्योंकि पुलिस के रोल के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। स्टेट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो बना लिया, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो ऑफिसर्स है, उनके क्रेडेंशियल्स और उनके हिस्ट्री को लेकर भी सवाल उठाए गए पिटिशनर की तरफ से। और निष्पक्ष अगर जांच चाहिए तो पिटिशनर का मांग था कि ये सीबीआई के पास सौंपा जाए, और इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए और उसको सपोर्ट करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने डिविजन बेंच इसको सीबीआई को सौंप दिया है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।